हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जेल में बंद एक बंदी का सनसनीखेज आरोप। बीते दिनों बिहार में बंदियों द्वारा जेल से रंगदारी और धमकी के धंधे के काले खुलासे के बाद ऐसे ही हालात राजस्थान के बंदे नजर आ रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर की जेल में बंद एक बंदी ने जेल प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बंदी के मुताबिक जेल में कई लोग मोबाइल का और नशे का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और इनको मिल रखा है जेल प्रशासन का खुला आशीर्वाद। पश्चिमी राजस्थान के जिला मुख्यालय बाड़मेर में स्थित जेल प्रशासन पर उसी जेल में बंद एक बंदी ने लगाए हैं गंभीर आरोप। आरोप इतने संगीन है कि उसके खुलासे के बाद जेल प्रशासन में खलबली मच गई है। बाड़मेर के गीड़ा थाना हल्ले का निवासी बांकाराम इन दिनों एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है। जेल में नशे और मोबाइल फोन के उपयोग का विरोध करना इसे भारी पड़ा। बांकाराम के मुताबिक इन बातों का विरोध करने पर जेल के दो सुरक्षा प्रहरियों ने उसके साथ मारपीट की। बांकाराम ने बताया कि पैसे के बल पर जेल में सब कुछ चल रहा है, जबकि इस जेल में कई आरोप देशद्रोह के मामले के भी है। एक बंदी के गंभीर आरोप के बाद जेल प्रशासन पूरे मामले को रफा दफा करने में लगा है। बाड़मेर जेल प्रशासन कैमरे से बचते हुए ऐसी किसी घटना से इनकार कर रहा है। बंदी के आरोपों के बाद जेल प्रशासन के पास बचाव में कुछ पुख्ता नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि बाड़मेर जेल में चल रही अंधेरगर्दी पर से पूरी तरह पर्दा कब हटेगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।